फॉर्मुलेटर स्टूडेंट्स, हम लोग मॉड्यूल 3 डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा मॉड्यूल 3 का सेकेंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने बायोट सेवर्ट लॉ के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डाइवर्जेंस एंड जो कर्ल है, ठीक है, ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि हमने इसको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हमने डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ठीक है, यहाँ पे हम डाइवर्जेंस एंड जो कर्ल है वो हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालेंगे, बी के लिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए कोई नई टर्म नहीं है और इसको हम ठीक उसी तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डाइवर्जेंस और कर्ल निकाला था। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस क्लास से बायोट सेवर्ट लॉ से, बायोट सेवर्ट लॉ से हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, जो बी है मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर, हमें इसकी वैल्यू क्या मिली थी, अगर आपको याद हो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और फिर हमारा इंटीग्रेशन में था डी आई डैश अपॉन सॉरी डी एल डैश डी एल डैश इंटू आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश का क्यूब। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू थी। अब हमें निकालना क्या है, हमें इस टॉपिक के अंदर निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में, तो आर के रिस्पेक्ट में, और क्या निकालना है, कर्ल ऑफ बी भाई किसके रिस्पेक्ट में, तो आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये दोनों जो चीजें हैं डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है, वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड। ठीक है, अब एक एक करके पहले हम डाइवर्जेंस की बात कर लेते हैं किस तरीके से निकालेंगे, उसके बाद हम कर्ल को निकालेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम निकालेंगे डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें, यानी कि हमें इस तरीके से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन डी एल डैश इंटू आर माइनस आर डैश होल डिवाइडेड बाई आर माइनस आर डैश का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने एक साइड डेल से मल्टीप्लाई किया है एलएचएस में, तो इधर मुझे आरएचएस में भी इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर देती हूँ, वैल्यू हमारी आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन में आपका जो डेल होगा वो, और फिर इधर आ जाएगा आपका डी एल डैश इंटू आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश का। अब देखिए ये जो हमने डेल लिया है, ये हमने किसके रिस्पेक्ट में लिया है, तो ये हमने आर के रिस्पेक्ट में लिया है विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। अब देखिए ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ने से पहले हमें याद होना चाहिए कि जब हम दो वेक्टर्स के बीच में, ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में जब हम डाइवर्जेंस निकाला करते थे तो वो हम किस फॉर्मूले से निकाला करते थे, मैं फॉर्मूला बताती हूँ आपको। मान लीजिए कि हम निकाल रहे हैं डाइवर्जेंस दो वेक्टर्स के बीच में। अब देखिए यहाँ पे मैंने ए इंटू बी लिया है, तो ये जस्ट एक वेक्टर है, यहाँ पे ये मत समझिएगा कि ये बी को मैं मैग्नेटिक जो फील्ड है उससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे बी हमारा कोई भी एक नॉर्मल सा वेक्टर है, ठीक है, जो जनरल फॉर्मूला हमें पता है। तो इसको जब मैं तोड़ूंगी तो मुझे होगा कर्ल ऑफ, डाइवर्जेंस निकालना है तो डाइवर्जेंस ऑफ में निकालूंगी
डेल्टा इंटू ए, ठीक है, माइनस ए डॉट डेल्टा इंटू बी। हमारे पास यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को देखें तो ऐसा फॉर्मूला कि जिस जैसा अलाइनमेंट है इस फॉर्मूले का, ऐसा हमें ये वाला टर्म दिख रहा है, ठीक है, म्यू नॉट आई अपन फोर आई, क्योंकि इसको हम बाहर रखते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रखते हैं, तो हमें ये वाली जो टर्म है कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो सबसे पहले तो हमें इसको तोड़ना होगा, तो इसको मैं यहाँ सेपरेट लिखती हूँ, डॉट टी एल डैश इंटू आर माइनस आर डैश डैश चुके यहाँ पे डिवाइडेड बाय आर माइनस आर डैश का क्यूब। अब इसको मैं ये वाले फॉर्मूले से अगर तोड़ूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दिस विल बी इक्विवेलेंट टू आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश का क्यूब, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होगा किससे, डेल इंटू डी एल डैश, ठीक है। ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म के लिए माइनस साइन लग जाएगा और मैं क्या लिख सकती हूँ, डी एल डैश डॉट डेल इंटू आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश, ठीक है। ये वाले फॉर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आती है फ्रेम में, हमें पता है कि ये जो आर माइनस आर डैश की वैल्यू होती है अपॉन आर माइनस आर डैश की क्यूब की जो वैल्यू होती है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस डेल वन अपॉन आर माइनस आर डैश, ठीक है। अगर ये वाले वैल्यू को ये आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश क्यूब था ना यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्यूब है, इसको अगर मैं इस वैल्यू से रिप्लेस करूँ तो क्या हो जाएगा, इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। और अगर यही वाला वैल्यू मैं यहाँ पे भी पुट करूँ इस पोर्शन में, तो इस क्वांटिटी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यानी हमारे पास रहेगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई इंटू ज़ीरो, यानी जब इसको ज़ीरो से हमने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू तो ज़ीरो आनी है ना, यानी कि जो डाइवर्जेंस ऑफ बी होगा ये हमारा क्या मिला, हमें ज़ीरो मिला, ठीक है। तो जब हमने बायो सेवर्ट लॉ में बात करी थी, ये फोर पाई इधर है ऊपर है, ठीक है, बायो सेवर्ट में लॉ के में हमने बात करी थी, तो हमने डाइवर्जेंस की भी बात करी थी और वहाँ पे हमने डाइवर्जेंस की वैल्यू ज़ीरो लाई थी। अब यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि डाइवर्जेंस ऑफ बी जो होगा विद रिस्पेक्ट टू आर, उसकी वैल्यू हमें ज़ीरो मिलनी है, ठीक है। अब ये कंडीशन कब वैलिड है, तो जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कैसा होगा, यूनिफॉर्म कहें या फिर स्टडी कहें, ये हमारा वैलिडेशन कब है, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा, सॉरी, जब हमारा जो करंट है वो स्टेडी करंट है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, जो हमारा करंट है वो स्टेडी करंट है, उस केस में ये वैलिडेशन होगी, ठीक है। इसका मतलब अगर ये डाइवर्जेंस ऑफ बी मुझे ज़ीरो मिल रहा है, यानी अगर इस पॉइंट से मैं बात करूँ, तो इस तरीके के लाइंस हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखा करता था। और हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये जो डाइवर्जेंस ऑफ बी है दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू डेल आर, ये बोलना भी हमारे लिए गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है यहाँ पे देखिए, ये तो ऐसे निकलेंगे ही नहीं, ठीक है, ये तो हमारी ज़ीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू ही नहीं आएगी, तो उसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमारी ज़ीरो आएगी। अगर आपको याद हो, डाइवर्जेंस ऑफ जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करते थे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती थी, इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती थी। कर्ल ऑफ ई जो होता था, ठीक है, कर्ल ऑफ ई जो होता था वो हमारा ज़ीरो होता था, और इसकी वैल्यू हमारी कुछ आती थी रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यहाँ पे देखिए एकदम अपोजिट रिलेशन है, यहाँ पे देखिए
डाइवर्जेंस ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो है, लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू है। उसी तरीके से जब हम कर्ल देखेंगे तो कर्ल में आप देखिएगा कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, और जबकि हमें पता है प्रीवियस अपने क्लासेस से कि जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू जीरो आती है। फिर हम लोग बाद में उसको कंपेयर भी करेंगे, मैं कंपेयर करके भी आपको दिखाऊंगी। तो खैर अगर इतना क्लियर है तो फिर हम कर्ल को भी देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला तो हमारे पास वही है जो हमने बायोट सेवर्ट लॉ से लिखा था। क्या लिखा था? बी जो होगा ये आपको याद हो जाना चाहिए अब, क्योंकि इसका यूज हम लोग बहुत बारी कर रहे हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और इधर इंटीग्रेशन में आपका आ जाएगा डी एल डैश इंटू आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश की, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? कर्ल ऑफ बी। तो कर्ल ऑफ बी निकालने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी डेल्टा से। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है। इंटीग्रेशन, ये डेल्टा जाएगा आपका अंदर, ठीक है। और क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे? डी एल डैश इंटू आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश का क्यूब, ठीक है। ये हो गई एक चीज। अब देखिए दूसरी चीज, अगर मैं मानूं कि ये छोटा सा मैंने सेगमेंट लिया कोई वायर है और इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और यहाँ पे मैं एक बहुत छोटा सा सेगमेंट लूँ तो उसको मैं डी एल डैश से डिनोट कर सकती हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि जो डी एल है तो इसको अगर पूरे वायर में अगर मुझे करंट निकालना हो तो मैं क्या करूँगी? डी एल को इंटीग्रेट करूँगी, ठीक है। तो अगर मुझे आई निकालना है पूरे लेंथ के अक्रॉस, तो आई डी एल को मैं लिख सकती हूँ जे ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ, ये जे है, ठीक है, जे आर डैश इंटू ए डॉट डी एल, ठीक है। ये जो जे है आपको याद होगा जे क्या है हमारा? करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो इस आई डी एल को मैं जे के फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मुझे वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना पड़े तो ये जो ए डी एल है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? ये आपका वॉल्यूम ही होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ये वाले फॉर्मूले को वॉल्यूम के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जे आर डैश, और ये क्या हो जाएगा? ए एरिया इंटू जो लेंथ होता है वॉल्यूम होता है, क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया है या लेंथ है तो आप इसको डी वी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अल्टीमेटली आई डी एल डैश की वैल्यू कुछ ये आई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये बी आर की जो वैल्यू थी, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आई डी एल की वैल्यू है, आई डी एल, ये आई और ये डी एल, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हम इससे रिप्लेस करेंगे। तो चलिए रिप्लेस करके देखें क्या वैल्यू मिलती है। मुझे मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। इधर इंटीग्रेशन में आपका रहेगा डेल इंटू, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जे जे आर डैश इंटू आर माइनस आर डैश, ठीक है, अपॉन आर माइनस आर डैश का क्यूब, और इधर हमारा रह जाएगा डी वी डैश। मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये जो आई डी एल की वैल्यू है, आई यहाँ पे है, डी एल यहाँ पे है, इस आई डी एल की वैल्यू को मैंने जे आर डी वी से रिप्लेस किया है, बाकी की चीज़ें वैसे की वैसी ही हैं, ठीक है। अब देखिए हमें कर्ल निकालना है, तो कर्ल का जो रिलेशन होता है
दो मान लीजिए वेक्टर्स हैं, उनके बीच में अगर मुझे कर्ल निकालना है, उनके बीच में मुझे कर्ल निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है बी डॉट डेल, ठीक है, ए माइनस ए डॉट डेल, ठीक है, बी प्लस ए डेल डॉट बी माइनस बी, ठीक है ना, डेल डॉट ए। तो अगर कोई हमारा वेक्टर इस टर्म में है जिसका कर्ल हमें निकालना है ए क्रॉस बी का, तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल करके आता है कुछ इस फॉर्म में आता है। अब हम क्या करेंगे, इस जो ये वैल्यू है हमारे पास, ये इतनी वैल्यू, ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे, इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो उस क्या हमें मिलेगा, ठीक है, इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और वर्कआउट करते हैं। अगर मैं सिंपली एक वेक्टर, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं और डेल से इसको मल्टीप्लाई करूं, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूं, बी एक्स के अक्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स प्लस बी वाई के अक्रॉस डेल अपॉन डेल वाई प्लस बी जो है हमारा जेड के अक्रॉस डेल अपॉन डेल जेड। मैं इसको इस तरीके से तोड़ सकती हूँ, ठीक है। और हमें पता है कि जो एरिया है हमारा, ठीक है, जो एरिया होगा हमारा ए को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जे आर डैश के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ए को हमने ये कंसिडर किया, यहाँ पे ए को, ये जो ए और बी है इसके बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर ए को मैंने इतना टर्म कंसिडर किया, ये वाला टर्म, और बी को मैंने ये वाला टर्म कंसिडर किया, बी को, यहाँ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, हम लोग उसको इस फॉर्म के में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बी को मैंने क्या कंसिडर किया, आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश का क्यूब, ठीक है। अब इसको, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, इसके ऊपर अगर हम इसको बिठाने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से जो बी डेल है, ठीक है, इनटू जे आर डैश होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसकी वैल्यू जीरो क्यों होगी, इसकी वैल्यू क्यों जीरो होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी जो है, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे ना, सेम टर्म के हैं, ठीक है। ये जो जे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए डेल बी ए से हमने किया है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो होंगे आपस में कैंसिल हो करके हमें जो नेट वैल्यू है वो हमें क्या दे देंगे, जीरो, ठीक है, दे गिव अस नेट वैल्यू एज जीरो। क्यों, क्योंकि जो डाइवर्जेंस होता है हमें पता है कि वो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें, एक वैल्यू हमें जीरो मिली। अब अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना पड़े, डेल बी, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश का क्यूब, जो कि आपका मिलेगा 4 पाई डेल इंटू आर माइनस आर डैश के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है डाइवर्जेंस, या बोल सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है, ये हमारी क्या है, चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हमें मिली, ये वाली वैल्यू, ठीक है, बी डेल्टा वी जे आर की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू को हम, जो हमारा ये वाला इक्वेशन है, इसमें पुट करेंगे। आई होप कि आपने इतना नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैं पेज चेंज करूंगी, तो नहीं किया हो तो आप पॉज करके नोट कर लें ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो अभी सिचुएशन थी,
ये फॉर्मूला हमारे पास आया था बी आर के अक्रॉस, ठीक है, और इधर था हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन में था हमारा डेल इंटू जे आर डैश इंटू आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश का क्यूब, और इधर था हमारा डी वी डैश, ठीक है। अब इसमें हम जो वैल्यूज को पुट करेंगे, जो हमारी वैल्यूज अभी हमने निकाली थी, फिर से मैं बता दे रही हूँ, जो हमने लिखा था इतने वाले पोर्शन का जो वैल्यू अब क्या आएगा, डेल इंटू जे आर, ठीक है, इंटू जे आर मल्टीप्लाइड आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश का क्यूब। इसका जो वैल्यू हमें मिलेगा, जो फॉर्मूला हमने देखा था, कर्ल ऑफ हमने ए इंटू बी जो किया था ए क्रॉस बी, तो वैल्यू हमारी कुछ इस तरीके से आएगी, मैं नीचे लिखती हूँ। इसकी वैल्यू हमें मिलेगी आर माइनस आर डैश, ठीक है, अपॉन आर माइनस आर डैश का क्यूब डॉट डेल, और इधर हो जाएगा हमारा पूरे में जे आर, ठीक है, जे आर डैश माइनस जे आर डैश डॉट डेल्टा, एक वैल्यू हुई, ठीक है, इनटू इनटू ये जो होगा इनटू होगा यहाँ पे इनटू जो होगा आर माइनस आर डैश डिवाइडेड बाय आर माइनस आर डैश का क्यूब, ठीक है, प्लस जे आर डैश डेल डॉट आर माइनस आर डैश। इसको आप ना वो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था, जो कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी था, उसके फॉर्मूले से आप इसको बिठाएंगे, ठीक है ना, तो आप मैच करते जाइए साथ साथ, अगर आपने उसको नोट डाउन किया है तो, ठीक है, तो आप भी चेक कर सकते हैं कि क्या हम लोग सही लिख रहे हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन में हो जाएगा आर माइनस आर डैश का क्यूब, और यहाँ पे होगा आपका डेल, और डेल होगा फिर क्या हो जाएगा डेल डॉट जे आर, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए क्या कुछ कैंसिल हो पा रहा है हमारा, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है, ये प्लस और ये माइनस में है, तो ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जाने हैं, ये वाला टर्म देखिए आर माइनस आर डैश आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश का क्यूब डॉट डेल और यहाँ पे है जे आर डैश, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाता है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है जे आर जो डेल, ठीक है, अपॉन आर माइनस आर क्यूब, इसकी जो वैल्यू हमने लिखी थी, ये जो पॉजिटिव वाला जो है ये वाला टर्म, इसकी वैल्यू हमने पिछले स्लाइड में क्या लिखा था, 4 पाई जे आर डैश, ठीक है, ऐसा तो ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में है ना, आर डैश, तो इसकी वैल्यू हम ये रखेंगे, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास क्या रह जाता है, हमारे पास ये नेगेटिव फॉर्म में बच जाता है, और इसकी जो वैल्यू है हम ये लेकर के चलेंगे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ किस तरीके से, माइनस जे आर डैश डॉट डेल इंटू आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश का क्यूब, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 4 पाई जे आर डैश, ठीक है,
या डैश डेल आर माइनस आर डैश। अब इसको अगर फर्दर देखें तो फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, फर्दर इसको नेक्स्ट स्टेप में ये जो कर्ल ऑफ बी आर है, ठीक है बी आर है, दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। ये जो वैल्यू आई हमारी, ठीक है ये वैल्यू हमारी इतने टर्म की आई, ये वाले टर्म की आई, ठीक है ये वाले टर्म की आई। हमें तो ये पूरे इक्वेशन पे रखना है ना, तो इस इक्वेशन का ये जो इक्वेशन है इसके बाद ये स्टेप है, ठीक है ये जो वैल्यू आई, यहाँ स्पेस थोड़ा कम था या मुझे यहीं पे लिख देना चाहिए था, ये इस टर्म की जो वैल्यू आई वो ये है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ से देखूँ तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, और यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस जे आर डैश डॉट डेल, कुछ नहीं मैं सारे ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर रही हूँ, आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश का क्यूब, ठीक है प्लस प्लस क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई किसका इंटीग्रेशन, तो जो ये वाला टर्म है हमारा जे आर डैश इंटू डेल आर माइनस आर डैश डी वी, ठीक है। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट फोर पाई, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टोटल जे आर डैश डॉट डेल, ठीक है इंटू आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश के क्यूब, और इधर हो जाएगा डी वी डैश, ठीक है प्लस इसमें जुटेगा आपका म्यू नॉट जे आर, ठीक है। अब ये जो जे आर डेल है, ठीक है ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है क्या हम इसको तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो अगर आपने इतना नोट कर लिया हो तो मैं स्लाइड चेंज करूं, ठीक है यहाँ पे म्यू नॉट ही होगा। तो हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन में जो था हमारे पास टर्म जे आर डैश डॉट डेल इंटू आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश के क्यूब, ठीक है डी वी डैश जो था इसको हमें और ब्रेक करना था। तो इसको हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, अब देखिए अभी पिछले जो हम लोग डाइवर्जेंस कर रहे थे तो वहां पे भी हमने देखा था अगर डेल डेल जो है, ठीक है डेल वन अपॉन आर माइनस आर डैश का जो वैल्यू है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डेल डैश वन अपॉन आर माइनस आर डैश के फॉर्म में, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम देखें तो ये जो टर्म है, ये वाला जो पूरा का पूरा टर्म है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जे इस, जैसे देखिए यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव साइन लग गया, तो जे आर डैश डॉट डेल डैश इंटू आर माइनस आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश का क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वी डैश। कुछ नहीं किया है, बस हमने इसको रिवर्स कर दिया है, ठीक है इस वैल्यू को हमने क्या किया है रिवर्स कर दिया है, माइनस साइन यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं एक कॉम्पोनेंट में, ठीक है तो जो ये वाली जो वैल्यू आई पिछले स्लाइड में जो हमारी वैल्यू आई थी उसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे डेल डैश जे आर डैश इंटू
एक्स माइनस एक्स डैश, क्योंकि अभी हम लोग एक्स कंपोनेंट को ले रहे हैं, ठीक है। एक्स कंपोनेंट कहिए, आर कंपोनेंट करिए, कुछ भी हम उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स, ठीक है, डैश अपॉन आर माइनस आर डैश का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा डी वी डैश। ये इक्विवेलेंट होगा आपके डेल डैश जे आर डैश इंटू एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन आर माइनस आर डैश के क्यूब के बराबर, और यहाँ पे होगा हमारा डी वी डैश, ठीक है। प्लस प्लस ये हो जाएगा आपका, इसके साथ प्लस होगा इंटीग्रेशन जे एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स डैश डॉट डेल डैश इंटू एक्स माइनस एक्स डैश, यहाँ पे मैंने कैप नहीं लिया था ना, ठीक है, एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन आर माइनस आर डैश क्यूब, और यहाँ हो जाएगा डी वी डैश, ठीक है। हम जानते हैं कि स्टेडी करंट के लिए, फॉर स्टेडी करेंट्स, फॉर स्टेडी करेंट्स, ठीक है, हमारे पास जो ये डेल डैश की वैल्यू है जे आर डैश, ये किसने के बराबर हो जाती है, ये हमारी, क्योंकि डेंसिटी का फंक्शन है, तो क्या हो जाएगी, डेल रो आर डैश अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो जब ये वैल्यू हमने ज़ीरो रखी, इसका मतलब क्या, जो डाइवर सॉरी जो कर्ल ऑफ, कर्ल अगर हमें लिखना है, कर्ल ऑफ बी, कर्ल ऑफ बी आर के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट टाइम्स जे आर। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये और ये जो आपकी वैल्यू है इतनी, ये वाली, ये आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और आपकी ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो आपके पास बचा क्या, जे, ठीक है ना, जे एक्स डैश डेल्टा डैश एक्स माइनस एक्स डैश, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू आती है, हमें पता है क्या होती है, ये आपकी डेंसिटी के फॉर्म में आएगी, ठीक है। बायोट सेवर्ट लॉ से हमें एक चीज़ ये भी पता है कि जो आपका डेल टी है, ठीक है, सॉरी डेल आई जो है आपका, या डी आई कहिए, ठीक है ना, डी आई जो है आपका, वो किसके रिस्पेक्ट में, हम अगर टाइम के रिस्पेक्ट में लें, टी के रिस्पेक्ट में, तो उसकी वैल्यू हमें ज़ीरो मिलती है। तो यहाँ पे देखिए वो इस चीज़ को फुलफिल कर रहा है, तो जब ये फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे देखें जो कर्ल की वैल्यू आई हमें, आपकी ये आई म्यू नॉट जे आर, और जे क्या है यहाँ पे, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें, आपका जो मैग्नेटिक मैग्नेट के केस में, और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के केस में और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, तो देखिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड के केस में ये जो वैल्यू आई थी ये ज़ीरो आई थी, डाइवर्जेंस ज़ीरो आई थी, और जो कर्ल आया था हमारा, कर्ल जो अभी हमने निकाला, कर्ल की वैल्यू आई हमारी म्यू नॉट जे आर, ठीक है। ये क्या शो करता है कि देर इज नो मोनोपोल, ये हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई भी हमारा मोनोपोल नहीं होता है, ठीक है। यही चीज़ अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जो देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में वही चीज़ आपकी डाइवर्जेंस के लिए क्या मिला था हमें, अगर आपको याद हो तो रो आर अपॉन एप्साइलन नॉट मिला था, और जो कर्ल की वैल्यू है, कर्ल की वैल्यू हमें क्या मिली थी, ज़ीरो मिली थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों अपोजिट इन नेचर है, ठीक है। जो चीज़ जैसे डाइवर्जेंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइवर्जेंस की हमें कुछ वैल्यू मिली थी,
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में डाइवर्जेंस की जो वैल्यू है हमारी जीरो आई थी, ठीक है, और कर्ल की वैल्यू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो मिली थी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमारे पास कर्ल का कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से मतलब जो है इन्वर्सली कहिए, रिलेशन जो है इनका दोनों का अपोजिट है या इन्वर्स रिलेशन है। तो आई होप स्टूडेंट जो डाइवर्जेंस और जो कर्ल है हमने जो डेरिवेशन किया आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जस्ट रिवाइंड द वीडियो, वीडियो को आप फिर से रिवाइंड करें और तब उसको फिर से देखने की कोशिश करें, ताकि अगर कहीं कोई पॉइंट छूट गया है तो वो आप कवर अप कर लें, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया हो, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मतलब पूछे कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, तो देखिए नेक्स्ट क्लास में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, वेक्टर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर पोटेंशियल में जो चीज़ें आती हैं उसको डील करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।